तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि गर्मी का समय आ गया है, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो आप सबको मतलब क्लिप देख के आपको पता लग गया होगा हम क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम बनाने वाले हैं आज मिनी कूलर। ठीक है, वेस्ट सामान से बनाएंगे। ठीक, हमारे पास ये सब मतलब पड़ा हुआ था, देख लीजिए डिब्बा बहुत पुराना डिब्बा है, तो ये हमारे पास वेस्ट पड़ा हुआ था। इसी की मदद से हम इसको मतलब तैयार करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट हमसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बता सक देते हैं, इसमें मतलब एक मोटर लगेगा, एक पंखी लगेगी। ये 10 रुपये का है, मोटर लगभग 120 रुपये का लिया था, ये लगभग कम पड़ेगा आपको। हम दाम भी बताते जा रहे हैं, 180 रुपये का ये था। ये ट्रांसफार्मर हम लिए थे, थोड़ा महंगा पड़ा था हमको, 250 रुपये का। ये लगभग 12012, ठीक 12 वोल्ट है, डबल सप्लाई है इसमें। और 2 डायोड हमको लगेगा, ठीक है, उसको बनाने के लिए स्केल। उसके बाद में ये पेन, या तो मतलब कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कि हम ड्राइंग करेंगे इसको, ठीक, मतलब हमको गोलाई लेना है। तो इसको आप अपने अनुसार जैसा आपसे हो सके वैसा कर लीजिए। तो हम देखिए कैसे कर रहे हैं इसको। ठीक, तो इसी की मदद से हम इसको गोल काटेंगे। ठीक, देखिए हमने नाप ले लिया, सेंटर पे हमने गोला भी दे दिया, क्योंकि हमारे पास मतलब हम सब कटर वटर कोई नहीं यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, एकदम देसी फार्मूला है चाकू, मतलब कि थोड़ा बहुत इसमें लग रहा है, तो उसी की मदद से हम कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर आपके पास ये सब सामान पड़ा है तो आपका फ्री में बन जाएगा, और नहीं तो आपका लगभग मान चलिए मिनिमम मान के चलिए 400-500 रुपये के करीब चला जाएगा आपका। ख़रीदेंगे अगर मार्केट से तो ओल्ड में ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा सब। ठीक है, ट्रांसफार्मर वार्मर इलेक्ट्रिक शॉप पे जाइए, ओल्ड ट्रांसफार्मर बहुत सारे पड़े रहते हैं, वो ले लीजिए। मोटर ले लीजिए, ठीक है, ब्लेड लगता है 10 रुपये का आता है, ये ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब मतलब आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो मार्केट में आपको जाके मतलब बताना है कि हमको 12012 का, ठीक है, 2 एम्पीयर या 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर चाहिए, तो वो आराम से आपको दे देगा। ठीक, तो सस्ता वहाँ पे पड़ जाएगा, ओल्ड खरीदने के सस्ता हो जाएगा, महंगा अगर नया लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है। और ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर कभी भी खरीदिएगा तो कॉपर कर लीजिएगा, ठीक, नहीं तो अलमोनियम कर लेंगे, जल्दी बढ़ने जलने का खतरा रहता है। तो इससे मतलब कॉपर लेंगे तो आपको बहुत दिन तक चलेगा, ठीक, और गारंटी भी मिल जाती है, 3 मंथ का हमको मिला है। तो हमने देखिए इसको बड़े आसानी से मतलब हमने काट लिया, देखो उतना गोल नहीं कटा है लेकिन तब पर भी कट गया है। तो हमने देखा कैंपस वैम्पस नहीं रखा था गोलाई के लिए। तो ये हमारे पास ओल्ड पड़ा था, एक मैंने खरीद के लिए लगभग उनको 25 रुपये का पड़ा था, ये भी पुराना ही है। तो एक हमको मतलब फंटी लगेगी, मतलब पटरे की फंटी हो या तो कोई भी चीज़ हो, ये हमारा 1 इंच मोटा, ठीक है, 2 इंच चौड़ा है ये। ठीक, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आप काट लीजिए, ठीक है, हाथ बचा के काटिएगा, नहीं तो छटक के लग जाएगा तो चोट लग जाएगी आपको। तो आराम आराम से काटिए, ठीक है, काटने के बाद हम बताएंगे क्या करना है। इसको आराम से पहले काट लीजिए, फिर आगे वीडियो मतलब बढ़ाते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अपने भाई का ही चैनल है, तो मूर्ति का काम अभी वैसे नहीं चला रहा हूँ, तो सोचा कि यही वीडियो बना के डाल दूँ आप सबको। ठीक है, तो जैसा कि हम देखिए इसको काट लिए, ठीक है, कट गया। उसके बाद में ये देखिए पीछे भी हमने होल कर लिया है। तो इसको हम काट के मतलब इसलिए किए हैं कि मतलब इस पर थोड़ा घास को ऐसे जाली टाइप का बनाएंगे, ठीक, जिससे हवा थोड़ा ठंडी निकले। ठीक है, तो इसमें हम पन्नी देखिए आराम से लपेट रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग। पन्नी को मतलब इसलिए हम लपेट रहे हैं, जो मतलब उसका मतलब जिसमें हम इसको फिक्स कर रहे हैं उसमें मतलब ढीला ना रह जाए। पन्नी लगा के करेंगे टाइट रहेगा, जंप नहीं मारेगा, जब मोटर चलता है तो जंप मारता है। तो ठीक है, तो हम इसको फिक्स करेंगे और मोटर को कस लेंगे, 2 पेच लगेगा इसमें, ठीक है। और नहीं तो आपके पास मतलब हम एक वीडियो और बना देंगे जब हमारे पास समय मिलेगा। तो ये मोटर मतलब ये जो हम इसमें फिक्स कर रहे हैं इसको मतलब आप टीन क्या मतलब काट के उसमें भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा मेहनत वाला ज़्यादा काम पड़ेगा। ये तो हमको ईजी लगा, 20-25 रुपये में कहा जाता है हम लोग का, आपका भी कहा जाएगा, तो आराम से कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास पेचकस भी हमने लिए, देख सकते हैं हम मतलब चक्कू से ही मतलब काम चला रहे हैं, तो हम ज़्यादा मतलब औजार का नहीं यूज कर रहे हैं। देख सकते हैं हमारा ब्लेड रहा 10 रुपये में, हम ले आए थे इसको, ठीक है। आपके मार्केट में तो हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, 20-25-25 रुपये में कोई कोई तो बेच लेते हैं।
तो ठीक है, उसके बाद में हम पन्नी को मतलब इसमें से इसको चिपकाएंगे इससे, क्योंकि तो ये बाहर ना निकले, उसके बाद में ढीला ना रह जाए थोड़ा, मतलब इधर अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में। तो ठीक है, तो इसको मतलब बहुत ही आसानी से आप ठीक है कर लीजिएगा। तो ठीक है, करने के बाद में हम बताते हैं आपको क्या करना है आगे। तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पंखुड़ी हमारी मतलब हमने फिक्स कर लिया है, मिडिल पे एकदम होना चाहिए, ठीक, तभी हवा अच्छा देगा। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो हवा सही तरीके से नहीं निकलेगा, तो इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम दिखा रहे हैं आगे आपको, तो क्या करने वाले हैं हम, देख लीजिए, इसको मतलब नाप लेंगे। एक नाप लेने के बाद में हम इसका मतलब वो बनाएंगे, एक घास का मतलब, हमारे पास वो मतलब जो उसमें घास लगता है वो वाला घास नहीं था, तो हम मतलब इसको देख लेते हैं कहाँ पे अच्छे तरीके से फिक्स होगा। नीचे भी फिक्स करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे हम इसको फिक्स कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पानी देख रहे हैं सेटलमेंट जहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हमको अच्छा मतलब इसका सूटेबल होगा वहीं पे हम इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर बचा के रखना है, हीट होता है। ठीक है, मोटर को भी बचाना पड़ेगा आपको, पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये घास हम दूब इसको बोलते हैं, हम यही वाला घास यूज़ करेंगे। हमारे पास वो मतलब जो मतलब कूलर में लगता है वाला घास नहीं है, मार्केट भी नहीं खुला, तो देख लीजिए हमने टेम्प्रोरी बना दिया है। ठीक है, चलेगा अच्छे तरीके से। तो ये हमने देखिए पीछे फिक्स कर दिया है, ठीक, पीछे हमने इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो फिक्स करने के बाद में वो देखिए हमने ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगाया है, ठीक, ऊपर सेट कर दिया, सबसे बेटर रहेगा, दिक्कत नहीं होगा कोई। तो चलिए इसका मतलब हम ट्रायल करते हैं, चला के दिखाते हैं आपको कैसे चल रहा है। तो देख सकते हैं आप सभी लोग कि वर्किंग बहुत ही अच्छा कर रहा है। अभी हमने ट्रायल के लिए ही मतलब बनाया है इसको, मतलब और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करेंगे आप सबको दिखाने के लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करके, ठीक है, नहीं तो बहुत समय लग जाता है इसको बनाने में। तो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ फिक्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पानी को, और ड्राइवर हमने देखिए कैसे लगाया है, ठीक है, 12012 डबल मतलब डबल सप्लाई आ रही है, इसके लिए हमें डबल ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो हमारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो हम वीडियो हमने कर दिया, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सपोर्ट करना, हमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि उसको बंद करते हैं, ठीक है, उसमें हम स्विच वीच भी लगाएंगे, ऐड करेंगे, अभी मतलब टेम्प्रेरी चला के दिखा दिया आपको, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा मतलब बताइए एक बार कैसे बता रहे, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे तरीके से बनाते तो बहुत ज़्यादा मन लगता थोड़ा, तो हमने इसको स्टार्ट करके बना के मतलब चालू करके आपको दिखा दिया है। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये पाइप हमने इसको फिक्स किया है ऊपर, ठीक, इसको हम भूल गए थे, स्किप कर दिए, नहीं दिखाए थे, तो इसको छेद करके ऊपर लगाना है। मूर्ति का वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको पता है कोरोना का इतना बड़ा बड़ा संकट मतलब देश के ऊपर आया है। तो एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहते हैं कि अब की बार दुर्गा पूजा होगा कि नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर बताइएगा हमको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय माता दी।